So finally, we got our PR, and we believe it's the right time to talk about our timelines. Hello, friends! Welcome to our channel, Sachin Talks Canada. Before jumping into the video and talk about our timelines, it's best to discuss about our background and our express entry profile. So we fall under STEM category and Canadian Experience Class, which is known as CEC also. So now let's talk about the dates we submit our express entry profile on 23rd of november 2023 and after that there is major step that is ita or wait for the ita so this ita comes on the basis of the points you got under your express entry profile so our score was 525 and we got our ita on 8th of december 2023 एंड देन उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है आपको आपके सभी डॉक्यूमेंट्स आई को सबमिट करने होते हैं ये सभी डॉक्यूमेंट्स बेस्ड होते हैं आपकी एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल के बेसिस पे जो भी आपने इंफॉर्मेशन आई आर को दी है वो आपको डॉक्यूमेंट्स के थ्रू प्रूव करनी होती है सो so, ये डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए आपको 60 डेज़ का टाइम देती है आई अब नेक्स्ट टाइम के बारे में बात करने से पहले मैं कुछ डॉक्यूमेंट्स या आप कह सकते हो कुछ मिस्टेक्स और कुछ डिलेज जो हमने करे थे उसके बारे में बात कर लेता हूँ ताकि आपका प्रोसेसिंग टाइम फास्ट हो सके एंड आप इन डिले से बच सकें सो so, सबसे पहली जो मिस्टेक होती है वो होती है कि आपको आपका आइल्स या सेल्फिप कब देना चाहिए सो so, हमने अपना आइल्स काफ़ी लेट दिया था दैट्स वाई वी वर स्ट्रगलिंग टू मीट दी टाइम सो आइल्स की वैलिडिटी टू ईयर्स होती है सो so आपको लास्ट मोमेंट तक वेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है आप वन ईयर पहले या एज़ पर योर ईज़ आप आइल्स दे सकते हो सो इन केस अगर आपका स्कोर कम रहता है तो आपके पास सफिशेंट टाइम हो कि आप दोबारा प्रिपरेशन करके अपना आइल्स का स्कोर इम्प्रूव कर सको सो so जो नेक्स्ट मिस्टेक जनरली होती है वो होती है पुलिस वेरिफिकेशन कि आपको पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट के लिए कब अप्लाई करना है सो राइट नाओ जो टाइम लाइन्स पुलिस वेरीफिकेशन की चल रही हैं वो चल रही हैं फोर्टी फाइव टू फिफ्टी डेज एंड आपको आर सी सी ओनली सिक्सटी डेज देता है सो अगर आपके पास पुलिस वेरीफिकेशन रिपोर्ट पहले से है दैन आप ये टाइम अपना सेव कर सकते हो सो आवर सजेशन इज़ जब आप अपनी एक्सप्रेसेंट्री प्रोफाइल बना रहे हो एंड यू एक्सपेक्ट दैट यू आर आई टी ए कैन कम वेरी सोन सो गो एंड अप्लाई फॉर पुलिस वेरीफिकेशन सो दैट इवन बिफोर दी आई टी ए यू हैव ऑल दी डॉक्यूमेंट्स रेडी सो पुलिस वेरीफिकेशन का क्या प्रोसेस है उसकी हमने एक सेपरेट वीडियो बनाई है उसका लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा थर्ड मिशेक जनरली हम लोग करते हैं वो मिस्टेक हमने नहीं करी थी वो होता है आपको आपकी वैस के लिए कब अप्लाई करना है या फिर आप कह सकते हो आपकी ई सी ए रिपोर्ट के लिए कब अप्लाई करना है सो so, आपकी जो वैस रिपोर्ट होती है उसकी वैलिडिटी फाइव ईयर्स होती है सो so, आप कभी भी अप्लाई कर सकते हो उसके लिए आपका एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल क्रिएट करना या उसके लिए आपको अपना आयल्स स्कोर मैच करने की ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है सो यू कैन अप्लाई एनी टाइम सो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि हमने डॉक्यूमेंट सबमिट कब करे थे डॉक्यूमेंट सबमिट हमने करे थे ट्वेंटी नाइन्थ ऑफ जैन को सो so, आप ऑलमोस्ट देखोगे फिफ्टी टू फिफ्टी फाइव डेज हमें हमारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने में लग गए थे सो बाय आवर टिप्स यू कैन सेव दिस टाइम डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद आपको आता है ए आर ए आर बोलते हैं एक्नोलिजमेंट ऑफ रिसिप्ट सो जनरली ए आर में वन टू टू डेज लग जाते हैं बट हमारे केस में हमें सेम डे ए आर आ गया था ट्वेंटी नाइन्थ ऑफ जैन को सो ए आर आने के बाद क्या प्रोसेस होता है ए ओ आर आने के बाद आपको बायोमेट्रिक या मेडिकल के लिए जाना पड़ता है सो so अगर आपने मेडिकल विद इन लास्ट टू ईयर्स आई आर सी सी को कराए तो आपको मेडिकल दोबारा देने की कोई ज़रूरत नहीं है हमारे केस में हमने वन ईयर पहले ही मेडिकल दिया था सो so हमें मेडिकल देने की कोई ज़रूरत नहीं थी बट आपको पी के लिए बायोमेट्रिक्स दोबारा देने पड़ते हैं ऑल दो अगर आपने बायोमेट्रिक्स पहले दिए हैं तब भी सो so हमें हमारी बायोमेट्रिक रिक्वेस्ट टेंथ ऑफ अप्रैल को आ गई थी बायोमेट्रिक रिक्वेस्ट आने के बाद आपको बायोमेट्रिक अपॉइंटमेंट बुक करनी पड़ती है एंड देन इन पर्सन जाके आपको आपके बायोमेट्रिक सबमिट करने पड़ते हैं सो so, आप देखोगे हमारे ए में एंड बायोमेट्रिक रिक्वेस्ट में ऑलमोस्ट सेवेंटी डेज का गैप था सो so, ये जनरली टाइमलाइंस हैं उसके बाद हमें हमारी अपॉइंटमेंट मिली थी फर्स्ट ऑफ मे को इसमें हमें ट्वेंटी डेज़ का गैप आ गया था क्योंकि कोई भी बायोमेट्रिक अपॉइंटमेंट फर्स्ट ऑफ मे से पहले अवेलेबल नहीं थी सो so, बायोमेट्रिक देने के बाद जो मेजर स्टेप होता है वो होता है पोर्टल वन रिक्वेस्ट या इसे पोर्टल रिक्वेस्ट भी कहते हैं हम लोग सो पोर्टल रिक्वेस्ट हमें आई थी नाइन्थ ऑफ मे को सो so, ऑलमोस्ट आप देख सकते हो वन वीक लेटर बायोमेट्रिक के बाद हमें पोर्टल रिक्वेस्ट आ गई थी सो पोर्टल रिक्वेस्ट के बाद आपको आई को एक ई भेजना होता है आई में आपकी सारी पर्सनल डिटेल्स होती हैं एंड उसके बाद आपको आर आपकी पोर्टल की डिटेल्स सेंड करती है वाया ईमेल। ई so, सो हमने हमारा जो ई मेल को भेजा था नाइन्थ ऑफ मे को ही भेज दिया था विदाउट एनी डिले एंड उसके बाद हमें जो हमारी अकाउंट डिटेल्स आई थी वो फोटीन ऑफ मे को आई थी ऑलमोस्ट फाइव डेज बाद सो so, जब आप पोर्टल पे जाते हो पोर्टल पे जाने के बाद आपको आपका एड्रेस एंड आपकी फ़ोटो अपलोड करनी होती है सो so, फोटो अपलोड करते हुए आपको फोटो डायमेंसन्स एंड साइज़ का काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है एल्स आपके प्रोसेसिंग टाइम में काफ़ी डिले आ सकता है सो so, जो हमारे केस में हमने अपनी फ़ोटो और एड्रेस फोर्टीन ऑफ मे को ही अपलोड कर दिया था एंड उसके बाद विद इन टू डेज़ सिक्सटीन ऑफ मे को हमें हमारी ई सी ओ पी आर आ गई थी ई सी ओ पी आर आप डाउनलोड कर सकते हो आई आर सी सी पोर्टल से एंड उसके बाद आपको वेट करना होता है आपकी हार्ड कॉपी पी लाइक दिस कार्ड का सो so, ये कार्ड हमें ट्वेंटी फर्स्ट ऑफ जून को आ गया था ऑलमोस्ट थर्टी फाइव डेज बाद सो so, ये थी हमारी पूरी टाइमलाइंस कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास की सी क्लास की सो so, अगर आपका कोई भी डाउट है टाइमलाइन से रिलेटेड तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि हमने क्या क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करे थे लाइक हमारा एम्प्लॉयर लेटर उसके अंदर क्या क्या डिटेल्स आपको ऐड करनी चाहिए और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स जो एक्सप्रेस एंट्री में हमें सबमिट करने पड़ते हैं इफ़ यू लाइक दिस वीडियो गिव अस अ थम्स अप एंड अगर आपका कोई सजेशन है कि हमें किसी पर्टिकुलर टॉपिक वीडियो बनानी चाहिए सो तो आप कमेंट सेक्शन में हमें सजेस्ट कर सकते हो थैंक यू एंड हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में